स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल नाम है टेक्निकल गुरु में। दोस्तों मैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को एक रिपोर्ट दिया गया है जैसे अनुकंपा से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप सभी को आज चिकित्सा की टीम पर हमले की संविदा कर्मचारी को संघ आक्रोश जताई। तो दोस्तों क्या आक्रोश जताई, तो दोस्तों वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो का आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का रोजाना अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आज 4 अप्रैल 2020 का अपडेट दिया गया है, जैसे कि आप सभी को बताया जाएगा कि आज क्या रिपोर्ट दिया गया है। तो बैतूल इंदौर के जिले में रानीपुरा और टाटपट्टी बैखाल में आयुष चिकित्सा टीम पर किए जाने वाले हमले पर भद्रप्रद संघ कर्मचारी संघ आक्रोश व्यक्त किया था। इस हमले में कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और जिला पंचायत के CIO को ज्ञापन सौंपकर प्रकट फ्रंट लाइन पर संविदा कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करने की मांग की। और संविदा कर्मचारी महासंघ के जिला जिला अध्यक्ष विनय डेंगर ने बताया कि वैश्विक महामारी घोषित कोविड 19 को आपातकाल में सभी कर्मचारियों और 7 कर्मचारी भी पूर्ण निष्ठा और समर्थन के सहयोग और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। और विगत 29 मार्च को रानीपुरा एवं 1 अप्रैल को टाटीगढ़ बेखान में 2 बार संविदा आयुष चिकित्सा की टीम को क्षेत्र के अभियोजक के लाठी डंडे पत्थर बरसाने के गाली गलौज जैसी भद्रवज की निंदनीय घटना से संबंधित कर्मचारियों को आक्रोश और भय व्यक्त। संविदा कर्मचारियों उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहता है और साथ ही साथ आपातकालीन सेवाओं के देते हुए संविदा कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा मध्य किट एवं मृत्यु होगा बीमा सहित अनुकंपा नियुक्ति प्रदान सुविधा प्रदान करने का मांग की। और ज्ञापन सौंपने के बाद संयोजक सविता महासंघ जैन मुनि महत्व मनीष बखरना आजाम खातकर डॉक्टर गोविंद साहू आयुष चिकित्सा के बी के सिंह इंदौर पंकज डोंगर स्वास्थ्य विभाग राजू भूमेश्वर रैनी गौंड आपका नीरज महेंद्र आपका जो है दिया सविता कर्मचारी थे महजूद कर्मचारी शामिल थे। और सुविधा कर्मचारियों के खिलाफ मेडिकल प्रोजेक्शन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मामला दर्ज कराने की मांग की। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का रोजाना अपडेट तो पहुंच सके। तो धन्यवाद मित्रों।